नेताओं की सियासी परीक्षा के बीच छात्रों की परीक्षा के परिणाम आ गए। जी हाँ, सीबीएसई बोर्ड 12वीं के नतीजे लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के दिन जारी हो गए हैं, जिसमें एक बार फिर छोरियों ने छोरों को पीछे छोड़ दिया। इस बार भी लड़कियों ने ही बाजी जीत ली है। सीबीएसई बोर्ड के मुताबिक 12वीं में कुल 87.98% छात्र पास हुए हैं, जिसमें लड़कियों का पास प्रतिशत 91.52 है और लड़कों का 85.12। इस बार लड़कों के मुकाबले लड़कियों का पास प्रतिशत 6.4% अधिक रहा है। सीबीएसई बोर्ड का पिछले साल 2023 का कुल पास प्रतिशत 87.33% था, यानी इस साल परिणामों में 0.65% की बढ़ोतरी हुई है। सीबीएसई बोर्ड की 12वीं के परिणाम में त्रिवेंद्रम रीजन ने 99.91 पास परसेंटेज के साथ टॉप किया है। विजयवाड़ा 99.4% के साथ दूसरे स्थान पर है। चेन्नई 98.47% के साथ तीसरे स्थान पर, बेंगलुरु 96.95% के साथ चौथे पर और दिल्ली वेस्ट 95.64% के साथ पांचवी पोजीशन पर है। दिल्ली ईस्ट रीजन छठे स्थान पर है। यहां का पास प्रतिशत 94.51% है। सातवें स्थान पर 91.9% के साथ चंडीगढ़ है। इसके अलावा पंचकुला रीजन 90.26% के साथ आठवें स्थान पर है। इस साल सीबीएसई बोर्ड 12वीं की परीक्षा 7,126 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। 12वीं में टोटल 16,33,730 स्टूडेंट्स ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से 16,21,224 छात्रों ने परीक्षा दी थी। ये परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होकर 2 मार्च तक चली थी। अगर आपने या आपके परिवार में किसी भी छात्र ने सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा दी है और रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो सीबीएसई बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.government.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।